सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग संबलपुर बस टर्मिनल का पार्ट टू देखने वाले हैं, जो कि मैं पार्ट वन आपको प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर विजिट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो पार्ट वन में मैं दिखाया था ऑलरेडी आपको, जैसे कि आप एंटर कैसे करेंगे एंड आपका जो पार्किंग कहाँ कहाँ है एंड कौन सा गाड़ी कहाँ से छोड़ता है एंड कहाँ पर लोकल बसेस है, कहाँ पर जो कि आपका एसी बसेस है एंड नाइट कोच बसेस कहाँ पर है, यहाँ सब मैं आपको बताया था। एंड आपका पार्किंग का चार्जेस कितना लगता है, जबकि टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, थ्री व्हीलर का कितना लगता है एंड कहाँ पर पार्किंग होता है एंड कैसे आप पर्ची काट के अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ये वाला सब कुछ मैं पार्ट वन में आपको बताया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर पार्ट वन को देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी बाद में हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो बाहर का व्यू मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, जो कि पार्ट वन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अभी पार्ट टू हम लोग देखेंगे। इसी तरह का और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, फाइनली देख सकते हैं गाड़ी के जो एग्जिट गेट है, जो कि बस टर्मिनल का, यहाँ पर कुछ इस टाइप का आपको दिख जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका जो गवर्नमेंट बसेस का, जो लोकल बसेस है, वो आपका पार्किंग हुआ है। एंड मैं अभी अंदर का तरफ जा रहा हूँ, अंदर का तरफ में आपको कुछ इस टाइप का देख सकते हैं व्यू दिखने वाला है। एंड फ्रेंड्स, बस जो स्टैंड है वो टोटली राउंड हुआ है, जबकि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड एंड सीधे में कुछ इस टाइप का आपका जो पार्किंग है वो गाड़ी सबका आपको मिल जाएगा। एंड थोड़ा आगे जाके अगर आप लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो आपका जो अंदर का व्यू कुछ इस टाइप का देख जाएगा, जबकि आप कैसे आप अंदर जाएंगे मैं अभी आपको फुल्ली दिखाऊंगा। एंड यहां पर देख सकते हैं गाड़ी जो पार्किंग हुआ है कुछ इस टाइप का देख सकते हैं, पीछे का तरफ में गाड़ी रह गया एंड ये वाला जो है सीधे का तरफ हो गया। एंड थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको पार्किंग भी मिल जाएगा एंड वहीं पर ही आपका जो एग्जिट गेट एंड एंट्री गेट आपको मिल जाएगा। लेकिन अंदर का व्यू किस टाइप का दिखता है एंड जो बॉस ओनर्स एसोसिएशन है वो सब कुछ मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको गाड़ी जो पार्किंग हुआ है एंड राइट साइड में आपको जो पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाएगा। एंड देख सकते हैं यही वाला रोड में अगर आप सीधा जाते हैं तो आपको और एक तो एग्जिट गेट एंड एंट्री गेट मिल जाएगा। देन फ्रेंड्स, फाइनली मैं अंदर का तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बस जो है सब कुछ यहाँ पर पीछे का तरफ खड़ा है एंड ये वाला जो देख सकते हैं जो बस टर्मिनल है, यहाँ पर आपका जो यात्रियों का वेटिंग हॉल भी आपको मिल जाएगा। अगर आप कहीं लॉन्ग रूट जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके रेस्ट करके अपना जो गाड़ी आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मैं राइट साइड को छोड़ के अगर आप सीधे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ आपका जो पार्किंग है कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, जो कि फुली राउंड का तरफ यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब कि बीच में आपका हो गया बस टर्मिनल, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड फुल्ली चारों तरफ आपका जो गाड़ी का पार्किंग मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट बसेस जो ग्रीन कलर का खड़ा है, जो कि पार्किंग हुआ है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में आपका जो छोटा सा होटल मिल जाता है, अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आके खा के अपना जो गाड़ी को है आप टेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो गाड़ी जो है यहाँ पर सब कुछ पार्किंग हुआ है, जो कि लोकल बसेस हैं। एंड मैं अभी आगे का तरफ जा रहा हूँ, ए वाला जो मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ वो सामने का तरफ हो जाता है, जो कि बस टर्मिनल का। एंड ऊपर का व्यू भी कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर बारिश का मौसम में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है यहाँ पर आप आने के बाद। देन यहाँ पर देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, जो कि हॉकी का भी, जो कि अभी हॉकी सीजन है, यहाँ का आपका जो बोर्ड भी मिल जाएगा। देख सकते हैं अगर मैं बस स्टैंड जहाँ पर है अगर मैं खड़ा रहूँगा तो इस टाइप का आपको अंदर का व्यू दिखेगा, जबकि अब यहाँ इसी रोड में आप अंदर जा सकते हैं। और जाने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको देख सकते हैं बैठने के लिए चेयर सीट से आपको मिल जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है जबकि आप ट्रैवल करने आएँगे। देन बस देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस टाइप का आपको दिखता है, जो कि बहुत सारा बस टर्मिनल आपको मिल जाएगा, जबकि बहुत सारा गाड़ी यहाँ पर खड़ा हो सकता है। देन फ्रेंड्स, देख सकते हैं ऊपर का व्यू एंड सामने का व्यू कुछ इस टाइप का मैं अगेन दिखा देता हूं। एंड गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी बात है एंड आपको पब्लिक टॉयलेट भी मिल जाता है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। एंड देख सकते हैं सामने का तरफ आपको एडवांस टिकट बुकिंग काउंटर जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है विथ कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स। एंड देख सकते हैं प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन कुछ इस टाइप का आपको दिख जाता है बोर्ड। एंड यहाँ पर देख सकते हैं तारिणी माँ का फोटो भी लगा हुआ है, जो कि हम लोग यहाँ पर नमस्कार करते हैं देन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारा स्नैक्स का दुकान भी मिल जाएगा, अगर आप कोई भी टिफिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप सामान ले सकते हैं। देन यहाँ पर देख सकते हैं सामने का व्यू कुछ इस टाइप का दिखता है चारों तरफ का। मैं अभी जो एसोसिएशन के स्टाफ के साथ बात करने वाला हूँ, जो कि वो हम लोग को सब कुछ बताएंगे। मैं अगेन जो बस टर्मिनल का सब कुछ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस टाइप का बोर्ड मारा हुआ है, जो कि पान पुड़िया अगर आप खाते हैं तो यहाँ पर ना थूके एंड आपका जो कूड़ा जो है आपको कूड़ादान में ही फेंकना चाहिए कुछ इस टाइप का
आपको बोर्ड मिल जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं बस के जो स्टाफ है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ चले बातचीत करते हैं। आप कौन से स्टाफ है? नगरपालिका बस स्टैंड का स्टाफ है। यहाँ पर गाड़ी कितना बजे से शुरू होता है? लॉन्ग रूट के लिए रात 9 बजे से स्टार्ट होता है। ओके, भुवनेश्वर जाने के लिए 9:10 से स्टार्ट होता है, 10:30 बजे तक गाड़ी है। जाजपुर के लिए भी है, 9:45 को है। ठीक, हर जगह का कोई गाड़ी है। गाड़ी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो अवेलेबल हो जाएगा क्या? हाँ, सब अवेलेबल मिल जाएगा आपको। ठीक, सब यहाँ पर मिल जाएगा। कौन कौन सा गाड़ी है? बहुत सारा गाड़ी है, शिवम है, सुथरी है, महालक्ष्मी है, मीनू है, बहुत सारा गाड़ी है। ठीक, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा आपको। गाड़ी में ऑनलाइन बुकिंग का है क्या प्रोसेस? ऑनलाइन आप फोन पे कॉन्टैक्ट कर लो। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बॉस एसोसिएशन के जो स्टाफ थे, हम तो उनके साथ कुछ बातचीत कर चुके हैं एंड वो सब कुछ यहाँ पर बता चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि कौन कौन सा बस एंड कौन सा रूट होकर जाता है एंड देख सकते हैं कौन कौन सा टिकट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा एंड जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। मैं अभी देख सकते हैं एक एक करके आपको सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड जो टिकट का फोटो है आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट करके आप जा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था कुछ आज का फुल डिटेल्स वीडियो एंड जो कि पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।